आज वीडियो का टॉपिक हम लोग का है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आज वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये मेथड भी आपके एग्जाम में आने के चांसेस की होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्चुअली में होता क्या। तो इसको दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए, इंटरेस्ट अलग, ड्राइंग्स अलग। तो ड्राइंग्स का देखिए मतलब क्या होता है, एनी अमाउंट ऑफ गुड्स withdrawn by the owner for personal use। तो जो भी कंपनी का ओनर है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे विदड्रॉ किए अपनी बिजनेस से या कुछ गुड्स विदड्रॉ किए, तो उससे हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स। और इस ड्रॉइंग्स के बिहाफ पे वो अपनी फर्म को, अपने बिजनेस को इंटरेस्ट जब पे करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और ये क्या करता है, फर्म के प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब इसे कैलकुलेट करने के यहां पे देखिए दो मेथड है, पहला है आपका सिंपल मेथड, दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। और आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस मेथड से क्वेश्चन को करेंगे, तो जब भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के केस में डेट गिवन है, जैसे यहां पे 1 मई 31 अगस्त, तो समझ जाइएगा कि आपको सिंपल मेथड से या प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन है सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपको मैं बताने वाला हूं, सेम इसी तरीके से आप ऐसे कॉलम्स बना के सिंपल मेथड से या प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर लेंगे। और जब आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको इस टाइप की कोई वैल्यू दी होगी तो याद रखिएगा, जब आपको डेट गिवन है तो चाहे आप सिंपल मेथड को अप्लाई करें चाहे प्रोडक्ट मेथड को अप्लाई करें, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिल जाएगा। अब यहां पे देखिए, क्वेश्चन में आपको दो वैल्यूज गिवन होती है, चाहे वो सिंपल मेथड हो या प्रोडक्ट मेथड हो। सबसे पहले कॉलम आपको बनाना पड़ता है डेट का, और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे यहां पे 1 मई की वैल्यू कितनी है आपकी, 1000 रुपीज, 31 अगस्त को कितना विड्रॉ किया है, 2000 रुपीज, और 31 मार्च को कितना विड्रॉ किया है, 3000। तो आप सिंपल मेथड का क्वेश्चन करेंगे या प्रोडक्ट मेथड का, अपनी बुक्स में आप देखेंगे ये दोनों कॉलम की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अब यहां पे आपको करना क्या होता है कि जब सिंपल मेथड से आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैलकुलेट करेंगे तो आपको ऐसे 5 कॉलम बनाने। पहला कॉलम होता है डेट का जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, दूसरा कॉलम होता है अमाउंट, किस डेट पे कितना अमाउंट आपने विदड्रॉ किया, तीसरा कॉलम होता है आपका पीरियड का, चौथा कॉलम होता है प्रोडक्ट का, और 5वां कॉलम होता है यहां पर इंटरेस्ट का। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले 2 कॉलम की वैल्यूज क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। यहां भी मैंने एक वैल्यू अज्यूम कर ली है कि 1 मई को 1000 रुपए, 31 अगस्त को 2000 रुपए, और 31 मार्च को 3000 रुपए पर्सन ने विड्रॉ किया। अब नेक्स्ट कॉलम आपका होता है पीरियड। पीरियड में देखिए क्या होता है कि जो भी पर्सन ने पैसे विड्रॉ किए उस पर्टिकुलर ईयर में कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो पे करेगा, तो उसके लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि जो भी आपका अकाउंट है वो 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है या 31 मार्च को। यहां पे ये आपका 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, तो आप ये देखें कि 1 मई को अगर उसने कुछ पैसे विड्रॉ किए हैं तो उस पर्टिकुलर ईयर में कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो मई के बाद मार्च तक देखिए कितने मंथ्स है, और यहां पर 1 मई को विड्रॉ कर रहा है तो मई भी आपका इंक्लूड होगा। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, तो टोटल यहां पे 11 महीने आ जाएंगे, क्योंकि आपका मई से पहले सिर्फ अप्रैल ही तो हटा, बाकी पूरे 11 महीने के यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट देखेंगे 31 अगस्त। अब देखिए मंथ के एंड में, तो जब मंथ के एंड में है तो अगस्त में तो आप इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे ना, क्योंकि अगस्त के तो आपने लास्ट में पैसे विड्रॉ किए हैं। तो अब यहां पे मंथ्स कैलकुलेट होना स्टार्ट होंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो यहां पे आ जाएंगे 7 महीने। आखिरी आ रहा है 31 मार्च, तो आप देखेंगे मार्च में आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है और 31 मार्च को आपने पैसे विड्रॉ किए हैं। तो अब यहां पे जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा अप्रैल में, तो यहां पर कुछ भी मंथ नहीं आएंगे क्योंकि मंथ के आपने ईयर के एंड में पैसे जब विड्रॉ किए मार्च के लास्ट में, और मार्च के लास्ट में आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो यहां पे आ जाएंगे 0 मंथ्स,
क्योंकि अब आपका जो भी इंटरेस्ट है वो अप्रैल में आप पे करेंगे और अप्रैल आपका नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो पीरियड कॉलम में क्या करना होता है, जो भी आपकी ड्रॉइंग का मंथ है आप ये देखिए स्टार्टिंग है या लास्ट है, और उसके बाद 31 मार्च तक या 31 दिसंबर, ये क्वेश्चंस में आपको गिवन होगा। ज्यादातर में मार्च में ही अकाउंट क्लोज होता है। तो आप ये देखिए कि उस पर्टिकुलर डेट से मार्च तक कितने मंथ का इंटरेस्ट आपको पे करना है, तो पहले आप ये कैलकुलेट कर लेंगे। प्रोडक्ट कॉलम में क्या होता है, जो भी आपको ये अमाउंट गिवन है इसको आप पीरियड से या मंथ से मल्टीप्लाई करिए। तो अगर उस पर्सन ने उस पार्टनर ने हजार रुपए विड्रॉ किया मंथली, तो 11 महीने तक विड्रॉ किया ना, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा 1000 × 11, ये आपका आ जाएगा 11000। 2000 विड्रॉ किया 7 महीने के लिए, मतलब इन दोनों को बस आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे आ जाएगा 2000 × 7, ये आ जाएगा 14000। और जीरो से किसी भी अमाउंट को वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आपका आ जाएगा जीरो। अब आप बात करेंगे इंटरेस्ट की। अब यहां पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, जो भी आपको प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है आप उसे लिखिए, उसे आप रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और (n)(1/12) कर देंगे, क्योंकि आपको एक महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। तो यहां पे अगर पहली वैल्यू देखिए तो पहली वैल्यू कितनी है 11000, रेट यहां पे मैंने नहीं लिखा है, रेट यहां पे मान लेते हैं आपका 10% पर एनम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जो रेट है वो आपका 10% है, तो (n)(10/100), पहले प्रोडक्ट की वैल्यू इंटू रेट और लास्ट में (n)(1/12). 1/12 देखिए इसलिए होता है क्योंकि आपको एक महीने का इंटरेस्ट है कितना यह कैलकुलेट करना है। तो यहां पे ये कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले आएगा 11000, इसका 10% और इसको आप डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये आपका आ जाएगा 91.6। सेम इसी तरीके से इस वैल्यू का लिखिए आप 14000 × 10/100 और (1/12), तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए 14000 का 10% और इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 116.6। इसका आप टोटल कर लीजिए, चाहे इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 91.6 प्लस 116.6, तो ये आपका आ रहा है 208.2। तो इस तरीके से सिंपल मेथड से आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैलकुलेट करते हैं। क्या करना है आपको, 5 कॉलम बनाने, पहले डेट का कॉलम, फिर अमाउंट का, फिर पीरियड का, फिर प्रोडक्ट का और इंटरेस्ट का। डेट और अमाउंट की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। आपको जब पीरियड का कॉलम बनाना है तो आप देखिए कि जो भी डेट गिवन है उस पर्टिकुलर ईयर में कितने मंथ्स आपके बचे, तो 1 मई के बाद 31 मार्च को अगर अकाउंट क्लोज हो रहा है तो कितने मंथ्स हैं, मई उसमें इंक्लूड होगा, यहां पे 11 महीने। 31 अगस्त है तो अगस्त तो खत्म, क्योंकि आपने लास्ट में पैसे विड्रॉ किए हैं, तो अब नेक्स्ट मंथ से देखिए कितने मंथ बचेंगे, 7 महीने। 31 मार्च है तो ये तो आपका साल के एंड में आपने पैसे विड्रॉ किए, अब इसका जो भी इंटरेस्ट है वो अप्रैल में कैलकुलेट होगा और अप्रैल आपका नेक्स्ट ईयर आएगा, इसलिए यहां पे लिख देंगे 0। इन दोनों कॉलम्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आपको इस प्रोडक्ट की वैल्यू मिल जाएगी और इस फॉर्मूले से आपको मिलता है इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट की वैल्यू (rate)(1/12). तो इस तरीके से देखिए आपको सिंपल इंटरेस्ट मेथड से इंटरेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब यहां पे आप बात करेंगे प्रोडक्ट मेथड की। प्रोडक्ट मेथड में भी कॉलम सेम है, कैलकुलेशन सेम होती है, बस लास्ट में थोड़ा सा चेंज होगा। यहां पे 4 कॉलम होते हैं, पहले डेट, अमाउंट, पीरियड, प्रोडक्ट। तो यहां भी पहले 4 कॉलम और इसके पहले 4 कॉलम सेम है। वैल्यूज आपको गिवन है क्वेश्चन है, मैंने दोनों की वैल्यू सेम ही ली है। पीरियड में क्या आएगा, 1 मई के बाद मार्च तक सेम मंथ्स आएंगे, जैसे यहां 11 आ रहा है यहां भी 11, यहां पे 7 और यहां पे 0। प्रोडक्ट की जब बात करेंगे तो पहले आ जाएगा 11000, फिर आ जाएगा 14000 और फिर आ जाएगा 0।
अब यहां पे सिंपल मेथड में आपको एक अलग से इंटरेस्ट का कॉलम आपको बनाना पड़ेगा, मगर प्रोडक्ट मेथड में आप क्या करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट कॉलम तक बनाते हैं, उसके बाद इस फॉर्मूले से डायरेक्टली आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। अब करना क्या है कि इस मेथड में हम लोग ने इंडिविजुअली प्रोडक्ट की वैल्यूज ली है और इस मेथड में आप इस कॉलम का टोटल लिखेंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 25,000, 11,000 में 14,000 ऐड हो जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा 25,000। अब यहां पे फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12, प्रोडक्ट में कितना आएगा 25,000, रेट आपका है 10% और इनटू 1/12 कर दीजिए, तो आप लोग भी कैलकुलेट करके देखिए कितना आने वाला है, तो 25,000 का 10% और इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये आपका आ जाएगा 208.2 आ रहा है। तो आप देखेंगे इसका टोटल और इसका टोटल दोनों सेम है, तो रखिएगा दोनों मेथड से आपका आंसर सेम ही आता है, चाहे आप सिंपल मेथड से कैलकुलेट करें चाहे प्रोडक्ट मेथड से। डिफरेंस एक्चुअली में होता क्या है कि एक फर्म है उसमें चार पार्टनर्स हैं, चारों पार्टनर्स ने कुछ कुछ पैसे विड्रॉ की और उन्हें क्या करना है, अपनी फर्म को इंटरेस्ट पे करना है। तो पहले तो आप ये कैलकुलेट करेंगे कि चारों पार्टनर्स का अलग अलग इंटरेस्ट कितना आएगा, तो वहां पे सिंपल मेथड फॉलो होता है, अलग अलग इंटरेस्ट देखिए आप कैलकुलेट करेंगे। अब प्रोडक्ट मेथड ये कहता है कि भैया चारों पार्टनर्स का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना आएगा, वो ये बताता है। आंसर दोनों में सेम होगा, बस ये क्वेश्चन भी डिपेंड करता है कि सिंपल मेथड से पूछा जा रहा है या प्रोडक्ट मेथड से। तो जब आप छोटे क्वेश्चन करेंगे जैसे मैंने आपको ये बताया है, तो यहां पर क्वेश्चन में आपको पहले से गिवन होगा कि भैया सिंपल मेथड से आपको कैलकुलेट करना है या प्रोडक्ट मेथड से, तो जो मेथड बोला जाएगा कॉलम्स आपके सेम रहेंगे, बस यहां पे लास्ट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसको प्लीज कॉपीज में आप नोट डाउन करिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल मेथड से एंड प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा। बस एक चीज रखिएगा, जब आप इस कॉलम को बनाएंगे पीरियड कॉलम को, तो यहां पर मंथ बिल्कुल आराम से कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि मंथ यहां पर अगर आपने गलत कैलकुलेट कर लिए कि यह 31 अगस्त है, जल्दी जल्दी मैंने अगस्त को भी इंक्लूड कर लिया, मंथ यहां गलत हो गए, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो गलत आएगा। तो यहां पे करना कुछ ज्यादा नहीं है, कैलकुलेशन भी बहुत थोड़ी बहुत है, बस इस कॉलम को जरा सही से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करिए, इंटरेस्ट को सही से कैलकुलेट करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसको प्लीज अपनी कॉपीज में नोट डाउन करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब आपको मंथली एंड क्वार्टरली के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे कैसे आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैलकुलेट